उर्दू में चाहिए, हिंदी में चाहिए, गुजराती में, मराठी में? इरशाद सर, इरशाद। इश्क जब तक नहीं कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता। क्या बात है, मैं दोबारा बोलूं फिर? क्या बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा। मेरे के तीसरे चौथे टेक में मैं गर्म होता हूँ। कुछ आसान नहीं है इश्क करना, ये जिंदगी भर का रत जगा है। रास्ते दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी। वाँ वाँ वाँ। वाँ। कैसे समझ में आता आपको कि मैं कैसे अलग करूँ? उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़े। अच्छा। ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, ये तो बस सर ही मांगता है मियाँ, इश्क पर करबला का साया है। मारूफ शायर जॉन एलिया का ये मकबूल शेर इश्क की जुनू पसंदी की तस्दीक कर रहा है। और वैसे भी किसी ने अपने ट्रेलर में कहा है कि दो लोगों में प्यार हो, मोहब्बत हो, उन्स हो, वो एक दूसरे के हबीब हो, ठीक है ना सर? हा? इतनी उर्दू तो मुझे भी नहीं आती। तो उन दोनों में शादी हो जानी चाहिए। तो आज एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि टीम से जानेंगे कि उनको उन्स कब हुआ और किससे हुआ। आपको उन्स आज की तारीख में सबसे ज्यादा किससे है? अपने आप से। मुझे पता था। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है कि आदमी जब अपने आप से जब तक यश नहीं करेगा, अपनी अपना ख्याल नहीं रखेगा, अपने आप को वक्त नहीं देगा, तो वो दूसरों का कैसे ख्याल रख सकता है? वो अपने आप से इश्क करेगा, अपना ख्याल रखेगा, तो उसके बाद उतनी ताकत आ जाती है, उतनी हिम्मत आ जाती है, उतना ठहराव आ जाता है कि फिर वो दूसरों का ख्याल रख सकता। आदमी कमज़ोर रहेगा मेंटली और फिजिकली, तो दूसरों का क्या ख्याल रखेगा? बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत बात। सोनम भाई, आपकी शादी के बाद तो हम आपकी इंस्टाग्राम और तस्वीरों में देख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हैं, आनंद आहूजा और आप दो पंछियों ने अपना घरौंदा बनाया कहाँ है? आई यू इन दिल्ली, मुंबई? ऑनेस्टली हमें भी नहीं पता कि हम कहाँ रहने वाले हैं, तो मैं हर बार मम्मी से पूछती हूँ वेयर डू यू थिंक आई वांट टू लिव इवेंचुअली। हम दोनों को नहीं पता, पर हमारा ऑनेस्टली हम आनंद मुझे कहता है कि वी आर सो लकी कि हमारे तीन तीन घर है, बॉम्बे में भी एक है, दिल्ली में भी एक है और लंदन में भी एक है। क्या बात है। जूही जी आप बताइए, क्या ये मेहता साहब के साथ आपको उन्स कैसे हो गया था? पुरानी सी बात लग रही है अब मुझे। आजकल की कोई बात करते चलिए। I wish I had some romantic story to tell you. As a mother, I'll have to say. I have to admit. कि the two little people, the two little monsters, जिनको मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। राज, आपकी ज़िंदगी का उन्स इश्क, उनका नाम शायद पी से शुरू होता है। हाँ, पत्रलेखा जी। पत्रलेखा ही है, बहुत सालों से, 8 साल से वही है ज़िंदगी का उन्स। Uns. And my family, of course. Producer ki sister, the director, the captain of the ship, and somebody who doesn't live here, lekin US mein rehte hue aap India ko ek teesri nazar se dekh rahi hain aur aapne ye film banayi. Dekho ji, har ek phase mein love of the life change hota hai. Is phase mein my love of the life is ek ladki ko dekha to aisa laga. So it's they all, jaise kehte hain na, live for the moment. Yes. Literally living for the moment. आजकल एक लड़की के सिवाय दिमाग दिल में और कुछ भी नहीं। और ये जो आपका पेपर है ना, ये मुझे बाद में जरूर दे देना। इतने शब्द तो मैंने मतलब सोच सोच के भी 3-4 ही निकल के आए थे, आपने तो मतलब बौछार कर दी। अरे मैम रुकिए, मैंने सुबह थेसॉरस निकाली उर्दू की जी जी। और मैंने उसमें देखा कि भाई ये जो हबीब होता है, इन्होंने तो मोबाइल में से देख के डायलॉग मारा था। मैंने कहा देखो हबीब को और क्या क्या कहा जाता है। सुनिए क्या रिजल्ट्स आए हैं सर, मुलाहिजा फरमाइएगा। हम नवा, हम सफर, हम प्याला, हम निवाला, हम सुखन, हम राज, हम राही, जिनकी चक्कर, हम जुबान, हम ख्याल, हम रुतबा, हम नशीन, हम नफस, हम नजर। क्या बात है, क्या ये तो गिफ्ट, ये तो गिफ्ट होना चाहिए मेरे लिए। तो साथ में खाता है ये बहुत से शब्द, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना सुनने में अच्छा लगता है। आपके फादर साहब तो मुगले आजम में असिस्टेंट थे, तो ये शौक तो जाहिर है आप में आया होगा। नहीं, मेरे फादर तो मेरे ख्याल से बाबा अपना होता ना कि वो हिंदी पढ़ ही नहीं सकते थे, उर्दू, उर्दू ही पढ़ते थे और पेशावर से थे, पेशावरी पठान, सो पुश्तो उर्दू, तो उर्दू लिखते भी थे। Got very upset with me once. क्यों? एक इंटरव्यू दिया था, मतलब आई वॉज ड्यूरिंग सावरिया, मुझे कहा पता था कि हम पेशावर, हम
बुश्तो पठान वठान मेरे को क्या पता था, मुझे लगा कि पंजाबी हूँ. I had no idea because my daddy is तो मुझे क्या पता बिकॉज इट वॉज वी गॉट कन्फ्यूज बिकॉज एवरीबडी यूज टू टेल मी आर पंजाबी पंजाबी. तो आई सेड हाँ, किसी ने मुझे इंटरव्यू किया था कि सो व्हाट आर यू, आई सेड आई एम हाफ पंजाबी हाफ सिंधी. तो आई वांट टू मीट माय दादा, ही सेड तू पेशौरी है तो डोंट फॉरगेट, ही गॉट अपसेट. आई वाज जस्ट लाइक ठीक है सॉरी दादू. राज, आप फिल्म में कुछ शायर जैसे कुछ बने हैं, ही इज अ प्लेराइट, ही इज अ पोएट, द सेम kind of same domain. शायरों को कोई अपनी बेटी नहीं देता क्यों, ये बात सच है ना, even artist को भी नहीं देता वो कुछ कुर्ता पजामा में. मुझे तो actually बहुत लोग बोलते हैं मेरी बहुत सारी फिल्म जो 80% फिल्म्स हैं उसमें लड़की मुझे मिलती नहीं है. Yeah, which actually works for me. हाँ. I'm very happy being with one girl in my real life. हाँ. Real life में नहीं दो चलेगा. So, नहीं तो मुझे सब बोलते कि मैं सर सारे फिल्म में सारे लड़कों को reject करती रहती हूँ. Very nice, works for us. तो कुछ शायरी वायरी सीखी मियाँ, कुछ सुनाइए, रिसर्च की आप तो सुना FTII के हैं, बहुत रिसर्च करते होंगे किरदार करने से पहले. चलिए एक शेर हो जाए इश्क पर. जी ठीक है, मीर साहब का एक इश्क है. जी इरशाद. मीर साहब का एक शेर है. जी इरशाद. रास्ते दूरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात. तो अगर कोई शेर पसंद आ जाता है और उसको कहते हैं फिर से पढ़िए तो कहते हैं मुकर्रर इरशाद. लेकिन रुकिए, हम इनसे पूछते हैं. सर हो जाए, आपने तो इरशाद सर, इरशाद. ओह माय गॉड, मैं बंबई का चंबूर का बहुत हार्ड सर. उर्दू में चाहिए, हिंदी में चाहिए, गुजराती में, मराठी में. सर आप माय बाप हैं, आप बताइए. आप बताइए ना, कौन सी लैंग्वेज में. उर्दू में. इश्क जब तक नहीं कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता. वाह 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 वाह. इश्क जब तक न कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता. सही बोला मैंने. बहुत अच्छा, क्या बात. मैं दोबारा बोलूं फिर. इश्क मुकर्रर. इश्क जब तक नहीं कर चुके रुसवा, इश्क जब तक नहीं कर चुके रुसवा, आदमी काम का नहीं होता. क्या बात, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरा. मेरे क्या तीसरे चौथे टेक में मैं गर्म होता हूँ. कोई समझे तो एक बात कहूँ, कोई समझे तो मैं एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं. कुछ आसान नहीं है इश्क करना, कुछ आसान नहीं है इश्क करना, ये जिंदगी भर का रत जगा है. वाह वाह, एंड का क्या वर्ड. कुछ आसान नहीं है इश्क करना, कुछ आसान नहीं है इश्क करना, ये जिंदगी भर का रत जगा है. ऐसा पढ़ा इन्होंने कि पढ़ने से नींद उड़ गई. क्या पढ़ा आपने. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. क्या बात. स्टारिंग जूही चावला, राजकुमार राव, सोनम कपूर एंड अनिल कपूर. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा. छोटा सा शेर. जी अर्ज कर. अलहमा एक बाल का लिखा. जी. सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी. वाह वाह वाह, आई लव दिस वन. ये दिल से मैं यूज किया है रहमान साहब ने. फिर से बोलो. आई वांट टू रिमेंबर दिस एंड यूज इट समवेयर एल्स. अटिका डोंट माइंड. सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान और भी अभी और. क्या बात, अभी और. शायर कोई नवाब जो बात बात पे शेर पढ़ता हो, जिसके हाथ में लाल गुलाब होता हो, कितना अच्छा लगेगा आपके ऊपर. एक फिल्म कर रहा हूँ, चलो देखते हैं. उस पर काफ़ी काम मेहनत करनी पड़ेगी. घबराहट सी हो रही है. तख्त, जिसमें मैं शाहजहाँ का रोल कर रहा हूँ. ट्रेनिंग शुरू हो गई आज से. बाप बेटी के ऊपर बहुत कम फिल्में बनती हैं. इनफैक्ट मैं जावेद अख्तर साहब से भी ये बात बोल रही थी कि इंडियन सिनेमा में बाप और बेटे का रिश्ता तो एक्सप्लोर किया गया है इन अनगिनत फिल्म्स, लेकिन बाप और बेटी के रिश्ते में कितना प्यार, खुलूस और ये भी एक सदा रहने वाला रिश्ता है, ये कम डायरेक्टर्स ने एस्टैब्लिश किया. एक बड़ी दिलचस्प बात किसी ने कही थी कि आई टॉट माई डॉटर हाउ टू से नो, और हिंदुस्तान में हम ये बात कहनी कम सिखाते हैं. हैव यू एक्चुअली टोल्ड देम कि मना कर दो जहाँ न ठीक लगे. 100% करने की जरूरत नहीं है. हाँ. ना बोल दो. या आई थिंक मेरे ख्याल से हर चीज में एक जो आदमी एक नो यू नो वो उसमें अगर नो कहने की ताकत है कोई भी चीज़ हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें एक कैरेक्टर है, कॉन्फिडेंस है.
कि नहीं मैं नहीं कर सकता ये, मैं ये नहीं कर सकता. नो नो मीन्स नो. दैट्स आई थिंक शोज अ लॉट ऑफ डेप्थ कैरेक्टर अपब्रिंगिंग कॉन्फिडेंस. तो ये सब चीज़ें तो मेरे ख्याल से इट्स वेरी नेचुरल. ये सिखाने की ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही अपने माँ बाप को देख के बच्चे सीख लेते हैं. कि मेरे जो भी फ्रेंड्स के डैड्स और मॉम्स होते हैं, प्रेशर होता है कि शादी कब होगी, किसके साथ होगी, क्या होने वाला है. मेरे पेरेंट्स में ये कभी ये ख्यालात आए नहीं कि तुम किसके साथ शादी करने वाली हो, क्यों शादी क्यों नहीं हुई है, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ये कपड़े मत पहनो. मतलब दिस इज नॉट बीन अ पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग. ओनली फोकस रहा है काम पे रहा है, पढ़ाई पे रही है. एक्चुअली डैड सेड कि इट्स बेटर टू से, इट्स बेटर नॉट टू डू एनीथिंग, टू जस्ट टू हैव सेल्फ रिस्पेक्ट. रिमेंबर व्हेन आई वाज लाइक 15 और 16 में गोवा गई थी, वो मुसाफिर के लिए शूट कर रहे थे, तो ही सेड कि व्हाट डू यू वांट टू डू. तो आई सेड आई थिंक आई वांट टू लाइक एक्ट, आई वांट टू लाइक डायरेक्ट, आई वांट टू राइट. तो ही सेड कि यू कैन डू ऑल थ्री थिंग्स. मैंने जो देखा है अपने दोस्तों के साथ, हमारे सहेलियों के साथ, बहुत कम इंडियन फादर्स इतने प्रोग्रेसिव भी नहीं कर, नॉर्मल है मेरे लिए तो नॉर्मल है, पर नाउ दैट आई सी द वर्ल्ड एंड द इंडस्ट्री, बहुत ही प्रोग्रेसिव ख्याल आता है. बिल्कुल. और अगर अपनी बेटी के रास्ते में अगर फादर खड़ा हो जाए कि ये जो भी करेगी मैं उसके साथ हूँ, तो दुनिया का कोई शख्स रोक नहीं सकता उस बच्ची को. राइट. बेटी की शादी हो गई, अब थोड़ा उसके मामले में बोलना कम करो. बेटी का दिया हम नहीं खाते. दामाद को ज़्यादा फोर्स मत करो, घर जवाई अच्छी चीज़ नहीं होती. आपके पेरेंट्स ने किस तरह से इन स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ कदम उठाए हैं? पेरेंट्स मेरे काम में कभी दखल नहीं करते, मतलब दे नेवर एवर इंटरफियर्ड. अगर मुझे कुछ सजेशंस पूछना है डैड से तो मैं पूछ लेती हूँ, और अगर मम से कुछ बिजनेस के कोई बातें करनी है तो मैं कर लेती हूँ. पर सारे डिसीजंस जो हैं अब तक, करियर चॉइसेस जो हैं, वो मैंने अपने आप लिए हैं. मैं उनके घर पे रहती हूँ, बट दैट्स इट. और शादी के बाद आनंद और मैंने ये सोचा है कि वी बोथ गेन्ड अ फैमिली. ही इज़ गॉट अ न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स एंड आई हैव गॉट अ न्यू सेट ऑफ पेरेंट्स. तो ये ख्यालात जो हैं बहुत पुराने हैं, और हमारे फैमिली में दे डोंट मेक अ डिफरेंस एट ऑल. जूही जी, मिस इंडिया बन गई थी आप, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मतलब बगावत करके बनी हो? आपके फादर खड़े हो गए होंगे आपके सपोर्ट में. ही वॉज इन द गवर्नमेंट सर्विसेज, और उनकी बड़ी तमन्ना थी कि मैं बहुत पढ़ूँ. एंड यूज टू से कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाओ, यू नो, गो और डू एन MBA. कॉलेज में थी, मेरी फ्रेंड्स पार्ट ले रही थी, ये फॉर्म्स, दीज फॉर्म्स वर फ्लोटिंग अराउंड इन द कॉलेज समवेयर. तो माय फ्रेंड्स आर टेकिंग पार्ट, तो मैं क्योंकि माई लिटिल विकेट माइंड, मैंने उनकी तरफ देख कर बोला, अरे ये लोग ले, यू नो, भाग ले सकती है तो मेरा भी चांस हुआ. तो आई हैव फिल्ड इन द फॉर्म. मगर यू नीड योर पेरेंट्स सिग्नेचर बिकॉज यू नो यू आर नॉट, दे रिक्वायर दैट, यू आर टू यंग टू जस्ट टेक योर ओन डिसीजन. ही रेड इट एंड देन ही लुक्ड एट मी एंड दिस इज अ मिस इंडिया फॉर्म आई एम गिविंग हिम. यू वॉन्ट टू टेक पार्ट इन मिस इंडिया? Yeah. So I did. Now, see, I didn't, I was quite young and stuff. I couldn't think like a parent. But now that I'm a parent, I'm thinking he must have paused because he must have said, kya yaar, ye ladki kya soch rahi hai? So it was very sweet. Of course, he signed it. And my parents were always supportive, very supportive, always there for me. I always had that confidence, like you're saying, ki kuch bhi galat ho jaye na, main ghar to bhag sakti hu, mera ghar dur nahi hai. And they gave me every sort of thing ke what I needed was there for me. Aashwasan hai ki papa hai, ghar mein mummy papa hain. But galat hua to main bhag jaungi yahan se. Correct. And they'll always be there for me. Correct. Aapne jo film ki thi jiske liye aapko national award mila tha, Shahid. Incidentally, you married a woman who already had a child from her first marriage. First kijiye ye situation aapki zindagi mein hoti and you're a stepfather to a girl. Kaise baap hote hain aap? Bahut hi acha baap hota hai main. I love kids. एंड मैं कभी आई एम लाइक वेरी ब्रॉड माइंडेड दैट वे. मेरा ऐसा कुछ छोटी थिंकिंग नहीं है कि अगर ऐसा कुछ होता कभी तो ऑफकोर्स आई हैव बीन अ ग्रेट किड फादर जस्ट लाइक शाह इंडिया. माई फादर टॉट मी लॉट अबाउट ऑनेस्टी. ही वॉज इन इज रिटायर्ड नाउ. ही वॉज इन अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वेर यू कैन एक्चुअली टेक लॉट ऑफ ब्राइब, बट ही ऑलवेज बिलीव इन ऑनेस्टी एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई हैव लर्न्ड फ्रॉम हिम. मुझे ये बताइए कि आपके ब्रदर जब खुश हो जाते हैं ना फिल्म के बाद, उन्होंने मिस्टर बच्चन को रोल्स रॉयस दी थी, क्या बात कर रहे हो? ओ, उम्मीद रख सकते हैं हम सब. ओ यस, एकलव्य के बाद. हाँ, एकलव्य के बाद.
रक्षाबंधन पे ऐसा कौन सा तोहफा था जो आज तक उधार है? हमेशा हमेशा जीरो ही मिला है और अभी भी जीरो ही मिलने वाला है। हम लोग सात भाई बहन है, मेरे सात बड़े भाई हैं और मैं सबसे छोटी बहन। एंड आई वांटेड टू डू द सेम विद माय फैमिली, मेरे भी चार बच्चे हैं एंड आई हैव अ लार्ज फैमिली, सो आई लव लार्ज फैमिलीज। आई थिंक दे आर अमेजिंग, द एनर्जी जो कि एक फैमिली में आती है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी अपनी फैमिली में पहले तो दोस्ती और प्यार का रिश्ता फैमिली से जुड़ा नहीं होता है, हम लोगों का रिश्ता खाली रिश्ता नहीं है, हम लोग जेन्युइनली एक दूसरे के दोस्त हैं, हम एक दूसरे को एक हमारा एक अलग भी रिश्ता है। एंड देयर इज़ नथिंग मोर अमेजिंग देन ए फ्रेंडशिप इन अ रिलेशनशिप। जूही जी, आज सुबह मैं यूट्यूब पे आपका और अनिल जी का एक वीडियो देख रही थी जिसमें आप उनको वो गाना सुना रही थी, दुनिया के रखवाले। हमारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें मेरे को अल्जाइमर हो गया है, वो हम लोग ब्लैंक आउट कर देते हैं। आपको कुछ बताऊं, मैं जब भी इनसे पूछती हूं कि ये फिल्म इनको इन लोगों को याद ही नहीं है, इतनी सारी फिल्म्स की है, दे डोंट रिमेंबर आप दिस। नो नो, एक्चुअली दे डोंट वांट टू रिमेंबर। मुझे सब फिल्में याद है और कुछ फिल्में मैं प्रिटेंड करता हूं मुझे याद है। नहीं भाई, तो हाउ मेनी इयर्स डू यू गो बैक टुगेदर आप दोनों? 28 साल। कहां मिले थे आप दोनों? बिना बादशाह को हो गए, मेरे ख्याल से 28 साल हो गए शायद। फर्स्ट टाइम मैंने इनके साथ काम किया मेरी फिल्म में, जो इनके एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और रोमांटिक सीन्स हैं। मैं आपको बताऊं कि वो सब सिंगल आई मीन सिंगल, दे आर नॉट एडिटेड, इट्स लाइक वन शॉट। वाओ, 25 साल एक दूसरे के साथ बिताए होंगे अभी कोई, हालांकि जोक बेहुदा सा है लेकिन कोई कल कह रहा था कि अरे 25 साल बाद तो मियां बीवी भी भाई बहन बन जाते हैं, जब हस्बैंड आ रहा होता है तो उसे दिल करता है भिंडी बनी हो और भिंडी बनी होती है। सो दैट इज अ थिंग दैट यू डेवलप आफ्टर लिविंग विद ईच अदर एंड स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर फॉर सो लॉन्ग। ऐसा आप दोनों के बीच में होता है? एक्टिंग में ऐसा नहीं होता, एक्टिंग में ऐसा, एक्टिंग में जैसे वक्त गुजरता है तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू मेक इट एज रियल एंड यू नो एंड नेचुरल एज पॉसिबल। आपको कहीं ना कहीं उसमें जादू लाना है तो थोड़ा सा, और जब आदमी नया रहता है, फ्रेश रहता है तो वो कुछ भी करता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपको लोगों ने देखा नहीं है ज़्यादा, आपके एक्सप्रेशन को नहीं देखा, आपकी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, एक बार, दो बार, पाँच साल, दस साल, पंद्रह साल, फिर भी ठीक लगता है, बीस साल, अभी 25 साल हो गए, फिर 35 साल हो गए, फिर 40 साल हो गए, फिर भी आपको वो मैजिक लाना है तो उसमें आपको थोड़ा और ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा कुछ करना पड़ता है कि यार मैं इसको अलग कैसे करूं, कि लोगों को ये नहीं लगे कि मैंने उस फिल्म में किया था, बिल्कुल, या मैजिक में कैसे लाऊं, तो बड़ा तिगड़म हो जाता है वो, बड़ा प्रॉब्लम होते हो, तो कभी कभी बोलते हैं क्यों, व्हाई आर यू फिल्म ही कर रहे हो कुछ, यू नो जैसे मेरी वाइफ बोलती है कि स्पीलबर्ग की फिल्म कर रहा है तू, इतना पढ़ रहा है, इतना तू सोच रहा है। मैंने बोला इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको अलग कैसे करूँ। कैसे समझ में आता है आपको कि मैं कैसे अलग करूँ? उसके लिए आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। दिलचस्प बात ये होगी जाननी कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी और ये गाना हमारे टेलीविजन सेट्स पे चल रहा था तो सोनम कितनी बड़ी थी और उनका एक्सपीरियंस, फर्स्ट एक्सपीरियंस इस गाने का क्या था और राज का क्या था? मेरी तो कहानी कुछ और है, was 7 or 8 years old, 7 साल की थी, 6 साल की थी आई थिंक, एंड मम्मी मुझे गेटी गैलेक्सी लेकर गई थी फिल्म दिखाने, मुझे लगा कि वो मेरे रियल डैड, मतलब मेरे रियल डैड है, बिकॉज़ गेटिंग बीटन अप इन द क्लाइमैक्स, आई गॉट वेरी अपसेट, मैं रोने लग गई, माई मॉम हैड टू टेक मी आउट ऑफ द थिएटर। ब्लैक में काम कर रही थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, संजय लीला बंसाली ने, मुझे पता नहीं था कि ही हैड वर्क एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर विद विनोद अंकल, मुझे ये पता नहीं था। इट वॉज फरहाज फर्स्ट फिल्म, फराह खान फर्स्ट फिल्म, वेरी क्लोज टू माई मदर, और उन्होंने कहा कि फराह और मैंने ये पिक्चराइजिंग हमने की है, हम दोनों ने की है विनोद सर के साथ। तो माई एक्चुअल प्रॉपर मेमोरी ऑफ सीइंग दो सॉन्ग्स अगेन वॉज वेन आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड। फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड वॉज इन 1984, आई वॉज बॉर्न इन 1985। जब ही मुझे कोई बोलता है कि यार माय फादर इज अ 9-to-5 जॉब, ही कम्स बैक, ही इज अ बैंकर, ही इज अ लॉयर, आई सेड हाउ डज इट फील फॉर योर फादर टू बी बैक इन द नाइट और अ लॉयर और एन इंजीनियर, और मुझे क्या पता, मुझे दिस, फॉर मी दिस इज माय नॉर्मल। कहां थे आप जब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा? गुड़गांव में था, ऑफ कोर्स आई वाज अ किड एज वेल, और मुझे विजुअल, उसके जो गाने के विजुअल्स थे वो मेरे दिमाग में आज तक हैं, जब वो यू नो अपने बेड पे फुल एनर्जी के साथ गाना गा रहे हैं, तकिया फाड़ रहे हैं, फिर वो बहुत ही उनकी प्रोमिनेंट कैप थी जिसके साथ वो घंटी बजाते हुए जा रहे हैं, मनीषा मैम लुकिंग गॉर्जियस इन दोस अर्ली मॉर्निंग शॉट्स। थैंक यू सो मच हमारी यादों को फिर से जगाने के लिए, ताज़ा करने के लिए, एंड व्हाट अ स्टेलर कास्ट इट इज,
और ओपरा विनफ्रे ने कहा था, यू गेट इन लाइफ व्हाट यू हैव द करेज टू आस्क फॉर. In 2019, and at the release of the film, let's ask for love, trust, happiness, great life to all of you too. Thank you so much. All the best. Thank you.